सर ये है सर जेरी पटका का आलू फिंगर। तो सर ये है अपना गांधीबाग एरिया, यहाँ पे शॉपिंग के लिए सब लोग आते हैं। यहाँ पे कपड़ा मार्केट है पूरा बहुत बड़ा नागपुर का। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड, अब शॉपिंग करने के बाद खाने की तो लालच होती है सबको, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रीट फूड है, मतलब हर टाइप का वैरायटी, पानीपुरी से लेके आपको पाव भाजी चाट वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। तो आइए आपको थोड़ा जायका खिलाते हैं यहाँ का। ये एंड अच्छा लिखते हैं यहाँ पे, हर जगह मैंने देखा है। हाँ बॉम्बे पफ एंड सैंडविच सेंटर। हाँ हर जगह पे एंड को हिंदी में लिखने के लिए। हाँ जी 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 है ना। मस्त है, गार्लिक का सही पंच आ रहा है और चटनी का भी बैलेंस बढ़िया है। हाँ और जो बैलेंस है वह बिल्कुल करारी जी, क्रंची स्ट्रीट फूड एकदम बोल सकता है। ये एकदम बढ़िया ऐसा स्नैक है, यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग चलते रही बढ़िया, एक प्लेट खा लिया आदमी का बढ़िया, मन मन और पेट दोनों भर जाता है। तो भेलपुरी और सेवपुरी दोनों मिलती हैं? दोनों। हाँ दोनों मिलती हैं। इसमें जो इसका बेस है वो पापड़ी है, क्रिस्प पूरी है और उसके ऊपर में उबले हुए आलू, दो तरह की चटनी है, एक लाल चटनी लहसुन वाली, एक मीठी चटनी जो खंड खजूर की है, उसके बाद प्याज है, धनिया पत्ती है और नायलन सेव है। तो एक अच्छा एक ये जो वेस्टर्न रीजन में ये यहाँ की चाट है, थोड़ा चटनी में राजस्थानी टच लगा मेरे को, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। हाँ ये है, इसमें कल में है, जावत्री है, सौंठ है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ऐसी चीज़ें पिसा के खड़ा मसाला जो अपने रहता है इसमें। ये हरी चटनी पुदीना सम्भार मिर्ची की रहती है, ये खजूर की रहती है, जो पैन खजूर आते हैं उसको उबाल के उसमें मसाला डाल के उसमें शक्कर डाल के उसको बनाया जाता है, ताकि इमली की रहती तो गला पकड़ता है, कांसी होती है उससे कांसी और गला भी नहीं पकड़ती, सही रहती है। अरे आप कह रहे थे क्या कि इससे खांसी ठीक हो जाती है? हाँ इनको ये बहुत दिन से कफ सिरप पी रहे हैं, तो इनको थोड़ा चटनी पिला दीजिए। हाँ तो ठीक हो जाएंगे ना, है ना? बिल्कुल ठीक है, चटनी पिला दीजिए, ताकत आ जाती है इससे तो खाने से, घोड़े बन जाएंगे। बिल्कुल चलिए, इनको दौड़ इनको दौड़ भी लगाना है, थोड़ा इनको चटनी पिला दीजिए। हाँ पिला देंगे ना, अभी अभी खांसी जो काम नहीं किया, जो एंटीबायोटिक ने काम नहीं किया वो काम ही चटनी करेगी, चटनी करेंगे, अभी पिलाते हैं चटनी आपको। कल से कफ सिरप बंद। वाह खंड खजूर की चटनी, काढ़ा लस्सेदार। यह है अपना स्ट्रीट फूड पे मिलने वाला च्यवनप्राश, बोलने के लिए च्यवनप्राश है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये खरीदने के लिए आ जाएं। ये चटनी है खंड खजूर की। ऊपर में सौंठ डाला हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और खजूर भी इसमें है, डेट्स। मतलब बहुत जगहों पे क्या होता है, खंड खजूर बोलते हैं, चीनी हो जाती है उसमें और अमचूर डाल देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर इसमें सौंठ का जायका भी है, साथ में खजूर का टेक्सचर भी है और फ्लेवर भी है, बहुत बढ़िया। एक फिर पापड़ी दीजिएगा। थैंक यू। और गला ठीक होना हो, हाजमा जरूर ठीक हो जाएगा चटनी खा के। हैं सर बोलो सर, मज़ा आया, मज़ा आया, बहुत टेस्टी है। अच्छा केशव भाई धन्यवाद। चलिए यहाँ पे तंबाकू बैन है क्या? महाराष्ट्र का बैन है, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ बोलो तो नागपुर में सबसे ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले है, जो भी है जिनके डिपार्टमेंट दिए हैं वो बहुत परेशान करते हैं। अभी तो सिगरेट भी बैन कर रहे हैं, किए हैं, उसमें भी चिल्लर सिगरेट बेचने नहीं देते हैं, बेचे तो चालान करवा डालते हैं, देखो चालान हो गया, फाइन ठोका हुआ है, ये ITC कंपनी का ये है, उनको परमिशन है ITC कंपनी का हमको,
पर वो उसके बाद भी हमने ये देखो जर्दा खर्रा जर्दा खर्रा और बाकी ये जो भी पान पूड़ी मसाला पूड़ी है ये टोटली हमारे पास बैन है। हमारे पास हम दिन में भगवान के दया से बहुत अच्छे पान बेच डालते हैं, इसलिए हमारे सब डिपार्टमेंट का खर्चा निकल रहा है, नहीं तो कंडीशन बहुत बुरी है। क्या ये लोग लगे हैं कि टोटली नागपुर के पूरे पान ठेले बंद कर डाले, और वो होना ही है। अच्छा, अभी दुकान को पान ठेला बोलते हैं? पान शॉप बोलते हैं, पान शॉप। वैसे हमारा जो है पहले जो था, पहले पान मंदिर करके ही बोला जाता था, पान के दुकानों को मंदिर के ही नाम से, पर अभी शॉप कर दिए किसी ने, कुछ कर दिया, तो इस प्रकार का अभी चल रहा है ये, तो वैसे पान शॉप के हिसाब से चलता है। पान वैसे यहाँ पे भी तो छोटे मोटे ठेले खड़े रहते तो पान ठेले बोलते हैं उसको। बाकी यहाँ पान का जो बिजनेस है हमारा बहुत अच्छा है। कब से है आपका काम पान का? मेरा 1966 से, और 1966 से मैं ही बैठा हूँ। तो यहाँ पे कैसा पान खाना पसंद करते हैं लोग? यहाँ देखो मेरे पास तो आज जर्दा पान टोटली बंद है, बैन है। मेरे पास चटनी चमन, ठोकर तंबाकू का और मीठा पान मसाले का खाते हैं। ठोकर तंबाकू? हाँ, जर्दा है ठोकर, एक वो ठोकर क्या होता है? लगा हुआ तंबाकू है, ये तंबाकू लगा हुआ है, ये इस पर बंदी नहीं है, ये बिना बंदी वाला है, इसको घोट के वो पान के अंदर ठोकर। हाँ, जर्दा है। इस पे बैन नहीं है? इस पे बैन नहीं है। अच्छा, सुनने में आया कि आपके यहाँ मंत्री भी आते हैं खाने के लिए पान? मेरे पास तो आते हैं नितिन राउत जी आते हैं, गडकरी जात साहब के पान जाते हैं मेरे पास से, डॉक्टर मानधनी जी के पान जाते हैं, हल्दीराम वाले खड़े रहते हैं, यानी नागपुर के जो अच्छे अच्छे दिग्गज है वो आते हैं। गडकरी जी कैसा पान खाना पसंद करते हैं? वो अभी तो चटनी चमन का पान खा रहे हैं, चिप सुपारी डाल के। पहले खाते थे वो 120 का पान खाते थे, वो टोटली उन्होंने बंद कर दिया, उनका जो रहते उनके साथ वाले वो सब। तो हमें वैसे ही वो सेम पान हमें भी खिला दीजिए जो गडकरी जी खाते हैं, जो गडकरी जी वाला खाएंगे हम, बना दो उसमें वो मीनाक्षी डलवा। ये कौन सा पान है? कौन सा? ये वाला, ये वही दे रहा है जो आपको बना रहा है, करंजी बना रहा है। ये गुजिया के शेप में पान है, गुजिया है ये, मैं तो वो वाला खाऊंगा। हाँ, वो ही खाओ ना आप, ये मेरा बांध दो। हाँ, ये पार्सल ले लो, पार्सल कर दीजिए। गुजिया शेप पान है, इतने खूबसूरती से सजाया है इसको, लॉन्ग से इसको बांधा गया है, ऊपर में सुपारी के कतरन, चटनी, चेरी सभी चीज़ें हैं, और चांदी की वर्क है। एक बार में तो नहीं खाया जाएगा। क्या खुशबू है, खाइए आप। अच्छा, दूसरा पान और खिलाते हैं आप, वो भी खाइए। फ्लेवर है बहुत से इसमें, तीन चार पांच फ्लेवर चलते हैं, सौंफ, गुलकंद, नारियल का बूरा। हालांकि मैं उतना मीठा पान शौक से नहीं खाता, लेकिन ये बहुत लजीज है। अरे टुकड़ा जैसे लेता हूँ। हमारा पान नहीं चलता था ना, तो हमारा भी शॉप कब से बंद हो जाता था। बादाम चाय, लेमन टी, मिथानी, बहुत सारे अलग अलग की चाय है। लेमन टी के इतने सारे, लीची, लीची, गोवा, पाइनएप्पल, ब्लैक करंट, सब फ्लेवर है। चाय के इतने फ्लेवर हैं? लेमन टी, लेमन, लेमन टी, लेमन चाय। हाँ, मतलब चाय में इतने फ्लेवर डाल देते हैं। क्या बात। अच्छा, तो इस कपड़े के ऊपर पत्ती है और ये पानी है, काली चाय का पानी, काली, वो उबलता रहता है कंटिन्यूस। कितने दिन बदलते हैं पत्ती? हाँ, जब पत्ती उसमें ज्यादा हो जाए निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, फिर दूसरा अंडा डालते हैं।
Cheers. और कुछ लेमन टी लिया मीठा है हाँ क्या बात है पेमेंट दीजिए हमने मतलब चीनी होना ही नहीं लेकिन मीडियम है इसलिए आपको मीठा मीडियम में तेज है नहीं ये कौन सा है ये लेमन टी है लेमन टी सर ये यहाँ पे दो ही आइटम सबसे ज़्यादा बिकते हैं एक लेमन टी और एक ये क्या है पुदीना है जी मिंट मिंट की लत पत्ती पुदीना पत्ती सर आपको थोड़ी मीठी कम अच्छी लगती है सर हाँ मैं चीनी चाय चीनी डालता हूँ जैसे हम मराठी में बासुंदी बोलते हैं रबड़ी का एक ये बासुंदी है एक प्रकार है इतनी गाढ़ी है सही कह रहे हो जी बासुंदी चाय है ये बासुंदी चाय है इसका नाम है मलाई चाय इसके बिस्किट भी अच्छे हाँ उस्मानिया बिस्किट तो आपने खाया ही होगा ऑब्वियसली उस्मानिया बिस्किट हैदराबाद हैदराबाद का बोलोगे आपके दांत नहीं 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 ये हैदराबाद से ही आता है सर दो हर्षी वाला दूध लगा दो क्या है दो हर्षी वाला दूध लगा दो चल दो मिल्क लगा नहीं क्या आज के युग में जहाँ हर चीज़ों में मेयोनीज जाती है देखने में वैसी ही लग रही है लेकिन ये मेयोनीज नहीं है ये दही है दही है जी दही है और सिंपल डिश है जो बेस है वो कुरकुरे का है उसके ऊपर में दही बिल्कुल दही की मतलब उसको घुमाते हुए पैकेट को घुमाते घुमाते उन्होंने क्रीम बना दी दही की और उसके बाद फिर लाल मिर्च और नमक बस जी बस आइए टेस्ट करते हैं ये कुरकुरे चाट है सर आपको आएगा मज़ा मज़ा तो आ रहा है ये आप खाते जाएंगे तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे वैसी चीज़ है और ये स्पेशलिटी मसाला है मसाला है इनका जो इन हाउस मसाला बनाते हैं और दही भी मलाई वाला दही है मलाई बना दिया हाँ क्योंकि वो ये कर घुमाते हैं मस्त सर ये कैसा है जो बच्चे यहाँ के जो जेरीपटका के जो बच्चे होते हैं ट्यूशन जाते हैं दो तीन घंटा ट्यूशन पढ़ते हैं उनको कुछ और उनके पास पैसे भी कम होते हैं तो ये कम पैसों में बढ़िया एक स्नैक हो गया इवनिंग स्नैक्स 10-20 रुपए में बच्चे को मिल गया बढ़िया खुश हो जाता है बच्चा ये खा के पर बच्चे बड़े यहाँ पर सबको ये चीज़ ज़रूर खाते हैं जिनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है इस जगह से ये जेरीपटका मतलब ये सर सिंधी कम्युनिटी का एरिया है जेरीपटका नागपुर के अंदर बहुत फेमस है यहाँ पर कपड़ों का पूरा बहुत बड़ा मार्केट है कपड़ों के लिए पूरे नागपुर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं और पूरी सिंधी कम्युनिटी यहाँ पे बेस्ड है तो नागपुर का उल्लासनगर है नागपुर का उल्लासनगर है सर बिल्कुल बिल्कुल ये है भी चीज़ ऐसे है कि अकेले खाने में मज़ा नहीं आएगा जी साथ में ये दोस्तों के साथ वाली जो नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ है आप जो बोलो बना के देंगे पोंगा और कुरकुरा मेन है चिप्स आप जो बोल लो आपकी जो फेवरेट चिप्स हो जो बालाजी की वीलीज आती है आप जिस पे बोल लो वो बना के दे देंगे ऐसा पर मोस्टली यही चलता है अच्छा लगा अच्छा बढ़िया चीज हाँ मतलब अपना कुरकुरे का आपने चाट बना दिया चलिए नेक्स्ट टाइम आएंगे अभी तो फिर टेस्ट करेंगे अरे ठीक है थैंक यू तो ये सिंधी पेड़ा है जी ये है पाकिस्तानी पेड़ा पाकिस्तानी पेड़ा जी क्यों मतलब ऐसे बोलते हैं पर ये है खोए का बना हुआ इसमें खोआ शक्कर थोड़ा बहुत और ड्राई फ्रूट से बनता है ये पूरा तो आप एक बार जायका ले इसका और बताएं कैसा है तो ये दो अलग अलग है एक तो है सादा हाँ मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं है और एक है ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट वाला एक बादाम और काजू है जी और बना ये खोए से ही खोए से ही है बस मैं लगता है कि जो शेप है हाँ वो अलग है पिरामिड शेप में है पिरामिड शेप में मोदक टाइप थोड़ा सा बोल सकते हैं मोदक की तरह है सो ये ज़्यादा मीठा भी नहीं लगेगा आपको बैलेंस फ्लेवर्स है बैलेंस फ्लेवर एकदम और प्योर खोए से बनता है
और अच्छा सौंधापन है इसमें। यस, और ये कम जगह मिलता है बहुत पूरे नागपुर के अंदर आपको। एक ही आपको जय समाधा डेयरी और एक दो जगह पे ही मिलेगा सिर्फ। ये फेमस है प्रॉपर इसके लिए, पाकिस्तानी पेड़े के लिए ये दुकान काफ़ी फेमस है। ये हो सकता है कि उस तरफ से लोग आके यहाँ बसे होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इसलिए लोगों ने नाम रख दिया पाकिस्तानी पेड़ा। बिल्कुल, बाकी इसका पाकिस्तान से पता नहीं मुझे कोई लेना कोई लेना देना नहीं है, बस नाम है मतलब। बोल यहाँ तो आप सिंधी पेड़ा बोल लो या पाकिस्तानी पेड़ा बोलो। और यहाँ पे आपके पास जो पापड़, सिंधी पापड़ हो गए, बढ़िया होगी, टिपिकल सिंधी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी पूरी, मतलब पापड़ हो गया, गीचा हो गया, और वो जलेबी हो गई, मतलब जो तलने वाली जलेबी हो गई, सब पूरी मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी और मिल्क केक मिल जाएगा। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो सर ये ऐसा है, कामटी करके एक नागपुर से 20 किलोमीटर दूर एरिया है, वहाँ पे इन्होंने चालू किया था रबड़ी बेच के, तो ये वहाँ की रबड़ी है। अब ये जेरीपटका में भी मिलती है, तो लोग स्पेशली नागपुर से गाड़ी चला के 20 किलोमीटर इनकी रबड़ी खाने जाते हैं, इतने फेमस है ये। तो कामटी एक अलग एरिया हो गया, जैसे आपके नोएडा या गुड़गांव हो गया दिल्ली में, वैसे हमारे यहाँ हम कामटी में जाके सिर्फ इनकी रबड़ी खाते हैं। तो हमें खिलाई रबड़ी, एक इनकी लच्छे वाली रबड़ी रहती है, मैं ट्राई करके देखिए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही उम्दा है, तभी इनकी रबड़ी खींच लेके जाती है लोगों को। और काफ़ी यहाँ पे वीआईपीस आ चुके हैं, जैसे आप पीछे देखेंगे, लच्छेदार लच्छेदार एकदम सर, बिल्कुल मीठा बराबर, मीठा बराबर सर, मीठा ये इसलिए ही यहाँ पे खाते लोग, वरना रबड़ी ऐसा मीठा मीठा कर देते लोग। इनकी रबड़ी इसलिए लच्छेदार और ज़्यादा ठंडी भी नहीं, लोग ठंडी देते हैं रबड़ी ज़्यादातर, इनकी ठंडी भी नहीं रहती कभी, और प्रॉपर एकदम लच्छा रहता है, मीठा भी नहीं रहता ज़्यादा, मीडियम एकदम टेस्ट। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। कैसा देखने में यहाँ पे सर, गुलाब जामुन रबड़ी का कल्चर बहुत पुराना है। गुलाब जामुन पहले लेते हैं, उसके ऊपर रबड़ी डाल के खाते हैं और तोड़ के, जैसे आपको हमने सुबह खिलाया। जी जी, यहाँ पे कल्चर है मीठे में मीठा, जैसे जलेबी और रबड़ी खाते हैं वैसे। हाँ वैसे जलेबी रबड़ी तो है ही, वो बुरहानपुर जलेबी आपने भी खाई होगी, वो वहाँ चलता है कल्चर, पर ये नॉर्मल नागपुर में मीठे पे मीठा वाला ये वाला कल्चर खाते हैं। ठीक है, देखा है मावा, मावा वाटी खाते हैं, मावा वाटी है ना, वही होता है ना जी, मतलब चप्पे हुए गुलाब जामुन उसके ऊपर मावा डाल के खाते हैं। क्या है SSD राइस सर? ये है SSD राइस छोला। SSD मीन्स सच्चो सतराम दास, तो ये हमारे गुरुजी है सिंधी लोगों के, तो हम लोग इनको मानते हैं, तो उनके नाम पे ही, भगवान के नाम पे जैसे लोग लगाते हैं जय श्री राम करके लगाते हैं, जैसे हम लोग SSD राइस छोला यहाँ पे जेरीपटका में चलता है, चार पांच जगह मिलता है, पर इवनिंग में आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, ये जो जगह आप देख रहे हैं, और ये काफ़ी स्पेशल, थोड़े से तीखे जरूर रहेंगे पर आपको मज़ा आएगा खाने में सर। चलिए अच्छा, यहाँ भी वही रस्से वाला ये मामला सर, यहाँ पे सर गिलाई का आपने बताया जैसे कल्चर है। गर्मा गर्म एकदम लाइट लाइट। ये आपके सिंधी कम्युनिटी में छोला बहुत खाते हैं ना? जी जी जी, डबल छोला, डबल छोला, छोले टिक्की, यस, छोले चावल, छोले पाव भी खाते हैं, छोला पाव, काफ़ी छोला काफ़ी चलता है। बहुत बढ़िया, ये तो हल्का है, स्पाइसी लगा नहीं मुझे, इसमें आपको लौंग का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके धन्यवाद। सबसे बड़ी बात स्पाइसी नहीं था, पहली बार आपने नागपुर में वो रस्सा खाया है जो तीखा ही लगा मुझे, तो मेरे लिए अच्छा था। नहीं ऊपर वाली तली जो रहती है ना इसमें, वो मैंने नहीं डाली, वो तेज रहती है। अच्छा नहीं, रस्सा डाला तेज लगे तो ऊपर वाली, अगर मीडियम होना तो नीचे वाली, तो कस्टमाइज कर देते हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल ऐप था। ओके हाँ सही, तो जो ऊपर तेल तैरता है उसको तरी बोलते हैं, उसको तरी बोलते हैं, और नीचे रस्सा होता है, नीचे वाली ग्रेवी रहती है, ग्रेवी, तो जिसको अगर तीखा कम खाना उसको रस्सा देते हैं, नीचे का उसको तीखा खाना उसको तरी देते हैं, तरी देते हैं। ठीक है सर, ओके धन्यवाद धन्यवाद, जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल। ये जो है ना इसमें मेन है खसखस और देसी घी, और उसके बाद हम लोग डालते हैं खारी चूरा करके, नारियल है, थोड़ी सूजी भी डलती है, और खोआ,
खोआ भी यानी प्योर खुद बना करके, यानी वो बाजारी खोआ नहीं, पूरा प्योर खोआ। और चिरौंजी भी है? चिरौंजी भी है, ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता। ये सालों में चलती है? 12 महीने चलती है। 12 महीने हमारी अभी तो शादियों में तो मेन ही है, बहुत चलती है शादियों में। क्या नाम बताया? माजून। माजून बोलते हैं, सिंधी मिठाई है, सिंधियों में मेन ही मिठाई है माजून। मैं तो सिर्फ सिंगर की मिठाई खाई है। सिंगर की मिठाई ये है, सिंगर की मिठाई है ना, ये वो बनती है सेव से। जी जी, वो ये तो मैंने खाई है। हमारे वहाँ पे छिनार हलवाई है, भारत स्वीट्स है, वो लोग बनाते हैं जी। ये हमारा फेमस है माजून। सर ड्राई फ्रूट का फ्लेवर बहुत जोरदार आएगा इसमें आपको। रवा, नारियल, नारियल, खसखस, खसखस, और भी बहुत दो चार आइटम और हैं उसमें, यानी 20-22 आइटम से बनती है। काफ़ी न्यूट्रिशियस है। इसके साथ एक गिलास दूध मिल जाए? हाँ, आपको अगर ये जैसे आप हफ्ता भर रख दिए थोड़ा कड़क हो जाएगी, फिर आप गर्म कर लीजिए इसको और एक गिलास के आधा गिलास दूध डाल दो तो और मस्त हो जाएगा। मस्त हो जाएगा, मगर यही टेस्ट एकदम अलग रहता है, तो दूध में डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई लोग करते हैं ऐसा, दूध डाल करते हैं। सर पूरे नागपुर में जो भी ये माजून मिलता है, पूरे नागपुर में कहीं भी मिलेगा तो यहीं से जाएगा ये इनका एकदम सबसे? कितने साल पुरानी? हाँ, पुरानी हो गई अपनी, 6-7 साल हो गए मेरे को यहाँ पर, मगर मेरी एमपी में भी दुकान है अपनी मिठाई का काम। तो ये पूरा माजून और यहाँ पे सिंधी जितने भी आपको देख रहे हो पीछे चीजें, सब सिंधी आइटम है, पूरा सिंधी आइटम है। ये सब चार सिंगर सब अपना सिंधी आइटम है, अपना आइटम भी हो गया ना सिंधी आइटम, दुकान का नाम ही है सिंधी मिठाई। उसको क्या बोलते हैं? आलू फिंगर्स? आलू फिंगर बोलते हैं। आलू फिंगर्स। तो बढ़िया पोंगे में आलू स्टफ कर दिए। हाँ जी। है? कई जगहों पर मैंने देखा है कि आलू अलग होता है और पोंगा अलग होता है, उसको बुंगरा बटाटा भी बोलते हैं, फिंगर चिप्स, पोफी, कई नाम है इसके। इनका अच्छा है कि ये जो साइज़ है, जो इसका होल है, बड़ा है, अच्छे से स्टफिंग हो गई इसमें, और ये दही डालेंगे उसके बाद। दही डालेंगे इसके ऊपर, पड़ेंगे 16 मसाले वाला चाट। तो चाट मसाला 16 मसाले है इसके अंदर, ऊपर से इसके ऊपर नमक और ये ऊपर से मिर्ची, इसके ऊपर जाएगी बढ़िया एकदम पुदीने वाली चटनी। ये आपके सामने पुदीने वाली चटनी पड़ गई और उसके ऊपर पड़ेगी ये खजूर की चटनी, ऊपर से सेव डाल देंगे और उसके ऊपर से लास्ट में खट्टी मीठी चटनी। ये आपका आइटम हो गया रेडी, आलू फिंगर। सर ये है सर जेरी पटका का आलू फिंगर। जेरी पटका में ऑलमोस्ट बच्चे जो होते हैं, बच्चे या फिर जो स्नैक्स आइटम बोल सकते हैं, फटाफट खाने वाला, एकदम फटाक से बनने वाला। इसके अंदर में हो रहा है, खा लो, सोगी हो रहा है। मतलब जो बचपन में हम सब फ्राई करके ऐसे खाते थे जी, अब ये कितना बदल गया है, हां इसकी भी चाट बन गई है। जी जी जी, ये मैंने गुजरात में भी खाया था, राजकोट में और सूरत में, वहाँ भी दोनों जगह पर फ़र्क था। और यहाँ पर मैंने नागपुर में ये खा रहा हूँ मैं स्टफ वाला, और अमरावती में खाया, वहाँ पर आलू का मसाला अलग था, उसके साथ पोंगा खा रहे थे लोग जी। पर वही है सर, यहाँ पे भी नागपुर में भी दो जगह आपको मिलेगा, दो अलग अलग वैरायटी में मिलेगा। जो दूसरी जगह मिलेगा वो साउजी वेरिएंट मिलेगा। आपने साउजी नागपुर का सुना, खाया भी, बट अगली बार आपको जरूर हम वो भी एक बार ट्राई करवाएंगे। दही नहीं रहता है? दही नहीं रहता है, वो भी आपको एक बार पक्का जरूर ट्राई कराएंगे। और थोड़ा लंबा रहता है, थोड़ा लंबा लंबा रहता है, पूरा फिल करते हैं, चटनी लगाते हैं, सेव लगाते हैं, सर्व करते हैं, हल्का स्पाइसी रहता है। तरी डालते हैं? नहीं, तरी नहीं, मसाले, मसालों का ज़्यादा अच्छा टेस्ट उसमें, काला मसाला जो साउजी मसाला होता है वो यूज़ होता है। नहीं, अच्छा सर, अच्छा लगा सर, बहुत सफाई से आपने अच्छे से बना के खिलाया। अच्छा, तो आपके पास पूरे सिंधी चाट मिलती है? पूरे चाट। देखिए दही कुरकुरे मेन्यू में लिखा जो हमने खाया है, बटर पापड़ी हमने उल्लासनगर में खाई थी, ये उल्लासनगर से मंगाया था, वहीं से आता है। चलिए, उल्लासनगर पानी पूरी, सेव पूरी, आलू फिंगर, दही कचौड़ी, भेलपूरी, मिक्सर, दही फिंगर, क्या बात है। बटर पापड़ी, आलू चाप, और कुरकुरे में तो अलग अलग चाट बनती है, दही कुरकुरे चाट, उसके अंदर चटनी भी डालते हैं, ऊपर से आलू भी काट के देते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। मालूम है आपके चाट की दुकान पे आके मुझे खाते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो सफाई से रखा हुआ है। जी, ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, मतलब बहुत जगह होता है कि चाट खाने जाते हैं ना, आधा मन तो हाइजीन देख के मतलब ख़राब हो जाता है, लेकिन आपने अच्छे से रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। थैंक यू।